हेलो गाइज, आप नीतू खोली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू खोली एकेडमी में। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है मोस्ट अवेटेड टॉपिक है स्वेटर वाला नेल आर्ट, जिसको हम विंटर नेल्स के नाम से भी जानते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग नेल आर्ट है। आप कहीं पे भी गूगल पे भी सर्च करेंगे या फिर पिंटरेस्ट पे भी, कहीं पे भी, या फिर इवन आप अगर इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं तो लेटेस्ट क्रिसमस से रिलेटेड ये वाला जो नेल आर्ट होता है, कहीं ना कहीं उसका जो वर्क होता है वो जरूर आता है। तो आज हम इसी वीडियो का जो है टॉपिक लेकर इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इस हमारी वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करें। सो गाइज, ये हमारे क्लाइंट के हमने ऑलरेडी नेल्स किए हुए थे, तो आज हम करने वाले हैं रिफिलिंग इन नेल्स की। तो आप देख सकते हैं कि जो क्यूटिकल एरिया से वहाँ से ग्रोथ आ चुके हैं, और ये ड्रिल मशीन हम यूज़ करने वाले हैं। इस ड्रिल मशीन से जो है हम पहले बहुत ही इजीली इनके राइनस्टोन्स रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके हम जो है एजेस पर चला रहे हैं राइनस्टोन की जो ड्रिल है, जिससे कि राइनस्टोन ईजिली निकल जाएँ। अगर आपसे कटर से भी नहीं निकलते हैं तो भी आप आराम से ड्रिल की हेल्प से निकाल सकते हैं। एंड बाकी जो हमारा जेल का प्रोडक्ट है, यहाँ आप जेल कराओ या एक्रेलिक कराओ, तो इस तरीके से आप अपनी ड्रिल से बफिंग करके वर्क सारा के सारा निकाल सकते हैं, ताकि जो आपको एमरी बोर्ड से है बफिंग ना करनी पड़े। क्योंकि ड्रिल का एक फ़ायदा होता है, आपका जो काम है काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोड पे हो जाता है। जो काम में आपको आधा से पौना घंटा लगता है, वो काम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हो जाता है, अगर आप ये सारी बफिंग ड्रिल से करते हैं तो। सो ड्रिल से बफ करने के बाद जो है अब हम नीड करेंगे बचे हुए प्रोडक्ट को एम्बरी बोर्ड की हेल्प से। साइड्स आप देख सकते हैं, साइड्स को इतना अच्छे से नीड करना है कि जो एक्स्ट्रा पुराना वाला प्रोडक्ट है वो आराम से निकल जाए, क्योंकि ड्रिल हम बहुत ज़्यादा साइड में नहीं चला पाते हैं, बिकॉज क्लाइंट की स्किन में लगने का डर रहता है और ब्लीडिंग होने का डर रहता है। तो मेक श्योर इस तरीके से जो है साइड्स नीड कर लेंगे और पूरे के पूरे नेल के ऊपर का जो प्रोडक्ट है उसको स्मूथ कर लेंगे हमारे एम्बरी बोर्ड से बफिंग करके। सो एमरी बोर्ड से बफिंग करने के बाद जो है हम ब्लेंडिंग लाइन वाला जो एरिया था हमारा, वहाँ पर हम नेल ग्लू अप्लाई करेंगे इस तरीके से कि अगर इन केस ज़रा सा भी नेल में बबल होता है टिप में, तो वो हमारे ग्लू से कवर हो जाए। और इसके बाद अब हम करेंगे क्यूटिकल एरिया को पुशर की हेल्प से पुश। और ग्लू को ड्राई करने के बाद जो है सभी नेल्स को हम करेंगे ब्लोबफर की हेल्प से। ब्लोबफ मीन्स ड्राई, तो जितना भी हमारा ग्लू एरिया है और टिप एरिया है और नेचुरल नेल का एरिया है, पूरे नेल को हमने ब्लोबफ कर लिया। ब्लोबफ करने के बाद हम अप्लाई करेंगे डिहाइड्रेटर। तो ये लिक्विड डिहाइड्रेटर यूज़ कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नेल के एरिया पर ही हम इसे जो है अप्लाई करेंगे। और अब जो है हम अप्लाई करेंगे हमारा जेल विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर। तो फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे, बिल्कुल पतली पतली करके कोट अप्लाई करनी है गाइस, विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर हमारे जेल ब्रश की हेल्प से पूरे के पूरे नेल के ऊपर अप्लाई करना है। मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपका प्रोडक्ट क्यूटिकल एरिया या साइड वॉल में ना जाए। तो सभी नेल्स पर हम इक्वली इसे बेस अप्लाई करके हमारे जेल और स्ट्रेंथनिंग पाउडर का इसे हम क्योर करवा देंगे हमारी LED लैम्प में 90 सेकेंड्स के लिए। सो बेस को क्योर करवाने के बाद जो है आप हम अप्लाई करेंगे बिल्डर जेल। तो सेम जेल हमारा हार्ड जेल यूज़ करेंगे विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर, और सभी नेल्स के ऊपर जो है थिक थिक करके जेल अप्लाई करेंगे, और सभी नेल्स पर एक साथ ही अप्लाई करके इसे भी हम क्योर करवा देंगे। सो क्योर करवाने के बाद गाइज, अब बारी है हमारी सेकेंड बिल्डर ऑफ जेल अप्लाई करने की। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट बिल्डर अप्लाई किया, सेम उसी तरीके से ही हम अपना सेकेंड बिल्डर भी अप्लाई करेंगे। मतलब कि पूरे के पूरे नेल के ऊपर अगेन हम थिक लेयर ऑफ जेल देंगे विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर सभी नेल्स पर एक साथ, और इसे भी हम अप्लाई करने के बाद जो है क्योर करवा देंगे। LED है तो 90 सेकेंड्स, और अगर आपके पास UV लैम्प है तो एटलीस्ट 120 सेकेंड क्योर करवाना बहुत ज़रूरी है। इसे क्योर करवाने के बाद गाइज, अब मैं यूज़ कर रही हूँ एसीटोन फ्री। तो एसीटोन फ्री हम यूज़ करेंगे पूरे के पूरे नेल को जेल वाइप करने के लिए, और ताकि जेल की जितनी भी हमारी चिपचिपाहट है वो नीट हो सके। सो गाइज, जेल वाइप करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ एमरी बोर्ड, और एमरी बोर्ड से हम इस तरीके से पूरे के पूरे नेल के ऊपर बफिंग करेंगे, क्योंकि जेल हमारा फ्लेक्सिबल होता है तो काफ़ी डंट्स एंड बम्स क्रिएट कर देता है। तो इस स्टेप में हम जितने भी डंट्स एंड बम्स क्रिएट हुए हैं उन्हें नीट करेंगे, साथ ही साथ शेप को भी एक बार नीट कर लेंगे, साइड वॉल्स को नीट कर लेंगे, और साथ में क्यूटिकल एरिया में अगर आपका कोई प्रोडक्ट गया है तो वो भी हम इस स्टेप में निकाल लेंगे।
और अब हम एक बार और क्यूटिकल एरिया को पुश करेंगे हमारे पुशर की हेल्प से। सो गाइस, पुश करने के बाद जो है हम सभी के सभी नेल्स को अगेन ब्लॉब ऑफर की हेल्प से ब्लॉब ऑफ करेंगे, ताकि छोटे से छोटे भी अगर स्क्रैचेस आए हैं एमरी बोर्ड के तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जितना ज़्यादा हमें नेल्स का सरफेस स्मूथ मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी कलर एप्लीकेशन और डिज़ाइनिंग की जो लुक है बहुत ही ज़्यादा नीट आएगी और ब्यूटीफुल आएगी। सो गाइज, अगर आप भी हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास नेल्स, आई लैशेज, माइक्रोब्लेडिंग आईब्रोज, परमानेंट लिप कलर, हेयर एक्सटेंशन, बीबी ग्लो एंड हाइड्रा फेशियल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो अब बारी है हमारे नेल्स प्रिपेयर होने के बाद कलर एप्लीकेशन की। तो एक नेल पे जैसे कि हमने ये ग्लिटर वाली जेल पॉलिश देना है, यहाँ पर हम जो है ग्लिटर वाली जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कोट जो है गाइस बिल्कुल पतला पतला करके अप्लाई करेंगे। जितना पतला कोट आप अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो पिगमेंट हैं कलर के नीट आएंगे और आपका जो प्रोडक्ट है नेल का वो उतना ही ज़्यादा स्टे करेगा। अदरवाइज़ आपकी जो जेल पॉलिश है वो पैचेस बन के निकल सकती है। तो गाइज, जैसे देख सकते हैं हमने वन फिंगर पर जो है डार्क ग्रे कलर अप्लाई किया है, बाकी नेल्स पर जो है ये ब्लूइश ग्रे अप्लाई किया है, ताकि हमारे डिज़ाइन का जो टारगेट है वो हमें प्रॉपर मिल सके। बिकॉज इसके बाद की जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो अपर कट डिज़ाइनिंग जो रहेगा वो थोड़ा लाइटर टोन में ही रहेगा। तो मेक श्योर जब आप कलर कॉम्बिनेशन बनाएं तो वो बहुत अच्छे से बनाएं। तो हमारे नेल्स पे फर्स्ट कोट ऑफ जेल पॉलिश हम क्योर करवा देंगे, और अब इसे क्योर करवाने के बाद जो है हम सेकंड कोट अप्लाई करेंगे सेम इन्हीं कलर्स की, ताकि हमारा जो कलर पिगमेंट है वो बिल्कुल भी ट्रांसलूसेंट ना रहे। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट कोट में ही ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें जो है हम बिल्कुल पतली पतली कोट करके ही अगेन अप्लाई करेंगे, और इसे भी सभी नेल्स पर जो है एक साथ अप्लाई करके इसे भी क्योर करवा देंगे। सो गाइज, कलर कोट कंप्लीट करने के बाद और इसे क्योर कराने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर वन फिंगर के ऊपर मैट यूवी टॉप कोट, जो कि बॉर्न पेटी की यूवी टॉप कोट है। सो ग्लॉसी दिख रही है ये अभी, लेकिन क्योर करवाने के बाद आइए दिखाते हैं ये मैट हो जाएगी। बट उससे पहले हम ये लाइट कलर का जो ग्रे कलर है, डार्क कलर को हमने जो है मैट कर दिया, तो अब ये लाइट कलर का ग्रे कलर मैट करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। और अब मैं इस ग्रे कलर की जेल पॉलिश जो हमने निकाली थी अभी वन ड्रॉप, ब्रश आर्ट की हेल्प से इस तरीके से ये डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। तो इसके लिए मैंने अभी नेल को जो है बिल्कुल भी जेल वाइप नहीं किया है, ना ही कोई कोट लगाई है, सिर्फ डायरेक्ट यूवी टॉप कोट लगाई थी मैट वाली, और इसे जो है हमने क्योर करवा दिया था। और मैट यूवी टॉप कोट के बाद हम जेल पॉलिश के साथ ही ग्रे कलर की हम जो है ये डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। और इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर हमारा ये ग्रे कलर का ही जो है एक्रेलिक हार्ड कलर पाउडर है, जो कि हम साथ साथ स्प्रेड करते रहेंगे और साथ साथ एक्स्ट्रा जो है उसे रिमूव करते रहेंगे, ताकि इसमें पैचेस ना बने। तो जहाँ जहाँ पर जो सरफेस में हमारे ये चिपकता रहेगा, जब तक हमें नेल की पेंट की जो शाइन है वो नज़र आती रहेगी, तब तक हम प्रोडक्ट को जो है फॉल करते रहेंगे। और इसे फॉल करने के बाद जो है हम इसे क्योर करवा देंगे, और क्योर करवाने के बाद जो हमसे कि हमने साइड में भी डिज़ाइनिंग क्रिएट करनी है, तो हम अगेन आप देख सकते हैं हम जेल पॉलिश का ही यूज़ कर रहे हैं। और जेल पॉलिश अगेन यूज़ करने के बाद इसे हम अगेन बिना क्योर कराए इसके ऊपर भी प्रोडक्ट जो है फॉल करेंगे हमारा एक्रेलिक वाला। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं स्वेटर वाला नेल आर्ट जो है हमारा ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। अगर आप चाहते तो आप इसे क्लियर भी एक ही बार में भी सारा वर्क कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिज़ाइन है थोड़ा स्लोली आपको बनाना चाहिए, ताकि आपका जो डिज़ाइन है क्लियर आ सके, नहीं तो उतनी देर में हमारी जो जेल पॉलिश होती है वो फैल जाती है। तो इसलिए मैंने हाफ एरिया पे पहले किया था, और अब इसके ऊपर भी हमने प्रोडक्ट जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग स्प्रेड किया और इसे क्योर करवा दिया। क्योर कराने के बाद हम पूफी ब्रश से क्लीन कर लेंगे। पूफी ब्रश से क्लीन करने के बाद जैसे कि हमारी जो वन फिंगर है उस पर हमने बनाना है स्नोफ्लेक, तो यहाँ पर मैं वाइट कलर की जेल पॉलिश ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हम जो है वर्क थोड़ा डिफरेंट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें कोई भी टेक्सचर वाला नेल आर्ट नहीं चाहिए। सो गाइस, स्नोफ्लेक बनाने के लिए जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट जेल पॉलिश जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर उसमें एक बूंद पानी ज़रूर मिलाना है आपको। और ये जो मैं डॉट्स दे रही हूँ ब्रश से ही दे रही हूँ डायरेक्ट, अगर आप चाहें तो यहाँ पर पोल्का डॉटिंग टूल की भी हेल्प ले सकते हैं, उससे आपकी जो डॉट है
वो एकदम इक्वल आ जाएंगी और नीट प्रॉपर डॉट्स आ जाएंगी। जैसे कि हमने स्नो फ्लेक बनाया है और इसके साइड्स में और इसके सेंटर में भी हम थोड़ा थोड़ा जो है इसी से ही वाइट से ही हमने जेल पॉलिश से डॉट्स दे दिए। और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ यूवी टॉप कोट। और यूवी टॉप कोट अप्लाई करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक राइनस्टोन अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम एक राइनस्टोन रख देंगे जो कि यूवी टॉप कोट के साथ ही हमारा क्योर हो जाएगा। सो गाइज, हमारी दो नेल्स जो हैं क्योर होकर रेडी हो चुके हैं। और अब बारी है थर्ड नेल की। तो थर्ड नेल के ऊपर मैं ये ब्लैक कलर की जेल पॉलिश के साथ में ये लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। बिल्कुल पतली पतली लाइन करके देंगे क्योंकि हमें इसके बाद इसमें ब्लॉसम जेल भी अप्लाई करना है। तो इसे जो है अप्लाई करने के बाद हम क्योर करवा देंगे। इसे क्योर कराने के बाद गाइज अब मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर बिल्कुल पतली पतली कोट हमारे ब्लॉसम जेल की। और ब्लॉसम जेल को अप्लाई करते ही हम इसके ऊपर अगेन ब्लैक कलर की जो हमने लाइंस दी हैं इसके साथ साथ में ही अगेन ब्लैक कलर की जेल पॉलिश के साथ ही बिल्कुल पतली पतली करके लाइन देंगे ताकि इसमें जो एक स्मूथ लुक है ब्लैक की वो तो आ ही जाए, लेकिन लाइन के साइड्स में जो है शेडिंग आ सके। तो ये जो शेडिंग आने के बाद जब ये ब्लूम करेगी जो जेल है ब्लैक कलर की, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा। और अब हम इसे भी क्योर करवा देंगे। सम जेल वर्क को भी क्योर कराने के बाद जो है यहाँ पर मैं वाइट जेल पॉलिश से अगेन इसके मिडल में जो है ये लाइन दे रही हूँ। बिल्कुल बारीक सी लाइन देंगे ताकि ब्लैक जो स्मज हुआ है उसके ऊपर जो ये वाइट आएगा ये और ज़्यादा नीट लुक आएगा। और इसके साथ साथ जो है बिना क्योर कराए हम इसके ऊपर ही जो है ग्लिटर की एक शिमर की लाइन देंगे वाइट के साथ ही, ताकि जो इसका इफ़ेक्ट है वो शिमरी भी आ सके। बिकॉज़ हमारे सारे के सारे वर्क में ग्लिटर का भी थोड़ा थोड़ा लुक है, तो मेक श्योर कि हम इस फिंगर पे ही भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ब्लैक ब्लॉसम जेल ब्लैक और हमारा ग्लिटर और वाइट जेल पॉलिश का भी पूरा के पूरा इफेक्ट एक टचिंग लुक ज़रूर देंगे। ब्रश आउट कंप्लीट करने के बाद गाइज मैंने इसमें जो है क्योर करवा दिया है। और क्योर कराने के बाद अब पारी है इस वाले नेल को भी कंप्लीट करने की। तो इसके ऊपर भी हम जो है यूवी टॉप कोट अप्लाई करेंगे, बट जो यूवी टॉप कोट अप्लाई करेंगे वो रहेगी शाइनिंग वाली क्योंकि ग्लॉसी हमें लुक चाहिए बिकॉज हमने इसमें ग्लिटर का भी इफेक्ट दिया है। तो मेक श्योर कि हम इसके ऊपर ग्लॉसी यूवी टॉप कोट अप्लाई करेंगे हाई शाइन। ये नॉन वाइप यूवी टॉप कोट है जिसकी शाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है और इसे भी हम क्योर करवा देंगे। सो इसे भी क्योर कराने के बाद आइए देखते हैं इसका फुल एंड फाइनल लुक। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई एम श्योर गाइज आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको सच में अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपके पास हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। तो कैसा लगा आपको नेल आर्ट? बहुत अच्छा लाइक इट बेस्ट है वाला। हैलोवीन वाला खत्म हो गया? वो हो गया, उसके शौक उतर गए। अच्छा अब सर्दियां मनाना फिर, ठीक है? स्वेटर वाले नेल आर्ट के साथ।